सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं अपना गेमिंग चैनल आरआर गेमिंग। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डीजे आलोक कैरेक्टर और जैक कैरेक्टर को लेकर। गाइस, इस दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, क्या आलोक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है या फिर गाइस जैक कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके स्किल्स को, और दोनों के स्किल्स को कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद गाइस लुक को कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कि अगर आपके पास एक आलोक कैरेक्टर है मैक्स लेवल और जय कैरेक्टर है मैक्स लेवल, तो किस कैरेक्टर को आप लोगों को लेकर खेलोगे, यानी कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, और तीनों स्किल स्लॉट को यूज करने के बाद कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर जरूर देखते रहिएगा। और चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं स्किल्स के बारे में कि दोनों में से किसका स्किल्स ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आलोक कैरेक्टर के बारे में। तो गाइज, यहाँ पर जैसे कि आप लोग आलोक कैरेक्टर को देख सकते हो, और अगर यहाँ पर हम लोग मैक्स लेवल स्किल की बात करें, इसकी अगर हम लोग यहाँ पर मैक्स लेवल स्किल की बात करें, तो इसका मैक्स लेवल स्किल है गाइज कि ये जो है एक ऑरा बनाता है 5 मीटर का, और जिसके अंदर जब ये आप लोग इसके स्किल्स को यूज़ करोगे तब 50% मूवमेंट स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और साथ ही में जो आपके फ्रेंड्स है उस ऑरे के अंदर, अगर 5 मीटर के ऑरे के अंदर अगर वो लोग आते हैं आपके फ्रेंड्स, तो आपके फ्रेंड्स हील होंगे और साथ ही साथ आप लोग भी हील होगे। और ये जो है स्पीड देता है मैक्स लेवल पे 5 सेकंड पे, मतलब 1 सेकंड पे देता है ये 5 की HP, और ऐसा चलता है 10 सेकंड तक, यानी कि टोटल ये HP देता है 50 HP, और 10 सेकंड के अंदर देता है ये 50 HP। तो काफी ही अमेजिंग इसका स्किल्स है, और सभी लोगों को यार आलोक कैरेक्टर काफी ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें गाइस दो स्किल्स है, एक तो हील करने का और उसके बाद जो मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करता है वो तो अलग से है। सो अभी गाइज हम लोग बात कर लेते हैं अपने जय कैरेक्टर के बारे में कि हमारा जय कैरेक्टर का स्किल क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर जैक कैरेक्टर को। तो अगर हम लोग जैक कैरेक्टर की मैक्स लेवल की स्किल की बात करें, तो इसका मैक्स लेवल का स्किल है गाइस कि आप लोग अगर कभी भी कोई भी फाइट करते हो और किसी बंदे को टेक डाउन कर लेते हो या फिर नॉक कर देते हो या फिर किल कर देते हो, तो जितने भी आपने एमओ यूज़ किए हैं तो 25%, मतलब जितना भी आपके पास एमओ है उसको 25% ये रीलोड कर देगा। तो गाइस मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका स्किल अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या है। तो देखो गाइज, अगर आप लोग फाइट कर रहे हो एके से, और एके में जो है 40 MO है आपके एके में 40 MO है गाइज, और आपने किसी को टेक डाउन किया, मतलब किसी को नॉक किया या फिर किसी को मान लो किल कर दिया आपने, किल करने के बाद गाइज आपने 10 MO लेकर जो है किल कर दिया उस बंदे को, और देखो जब आप लोग 10 MO लेकर किल कर दोगे तो उसके बाद आपके एके में 40 MO थी गाइमो, तो 40% यानी कि 10 MO वो इंस्टेंट रिलोड कर देगा, और आपको रिलोडिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये स्किल जो है शॉर्ट रेंज के फाइट में काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बट अगर हम लोग इसका कंपेरिजन करते हैं आलोक के साथ, अगर हम लोग स्किल कंपेरिजन करते हैं, तो ये मतलब उतनी अच्छी स्किल नहीं है गाइज जितने की आलोक की स्किल है, क्योंकि आलोक जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट भी बढ़ा देता है गाइज 50% तक, आपका स्पीड भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ गाइज हील करता है। बट ये जो है शॉर्ट रेंज में ही सिर्फ मदद करेगा, और आलोक भी हील करके शॉर्ट रेंज में काफ़ी ही ज़्यादा मदद करता है। तो अगर स्किल की ओवरऑल की बात करें तो आलोक ही जीतता है, लेकिन इंडियन कैरेक्टर एक आया है तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा बात है। अगर ये कैरेक्टर आता है, जैसे ही आएगा मैं इसको बाय तो ज़रूर से ज़रूर करूँगा और इसको खेलूंगा, क्योंकि जो भी हो आलोक बट एक इंडियन कैरेक्टर के साथ खेलने से वो एक अलग वाली फीलिंग आती है, तो वो तो ज़रूर लेना ही है। उसके बाद गाइज हम लोग लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जय कैरेक्टर के लुक के बारे में बात करें, तो जय कैरेक्टर गेम में भी काफ़ी ही ज़्यादा ओपी दिख रहा है। अगर आप इसकी फेस की बात करो तो फेस भी इसका काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है गाइज, ठीक है। और जय कैरेक्टर को अगर हम लोग बात करें तो ये ऋतिक रोशन के कैरेक्टर से आया, और ऋतिक रोशन भी हैंडसम तो वैसे भी दिखते हैं, और अगर हम लोग गेम में भी बात करें तो काफ़ी ही अच्छा दिख रहा है गाइज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं अपने आलोक कैरेक्टर के लुक के बारे में। तो यहाँ पर देखो आलोक कैरेक्टर कहाँ गया हमारा।
सो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग आलोक करेक्टर के लुक के बारे में बात करें तो वो भी काफी सो गाइज अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं है आलोक करेक्टर के पास। और अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर काफी ही ओपी दिख रहा है मास्क। अब मास्क जो है वो हट चुका है और ये आलोक करेक्टर भी गाइज काफी ज्यादा फेस देख कर ओपी लग रहा है। बट मेरे को अगर हम लोग बात करें जैक करेक्टर के बारे में तो एक चीज जो है इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि गरीना वालों ने इसको क्या ही बना दिया। अगर आप लोग यहाँ पर लेग्स पर देखो गाइस तो लेग्स कुछ ज्यादा ही पतला है। अगर हम लोग यहाँ बॉडी की बात करें तो वो भी हल्का पतला लग ही रहा है बट लग रहा है कि यार थोड़ा सिक्स पैक्स है। बट अगर हम लोग पैर की बात करें यार मेरे को तो पैर देखने में काफी ही ज्यादा पतला दिख रहा है। तो ये मतलब कि काफी ही इन्होंने अच्छा नहीं किया गाइस क्योंकि गरीना वालों ने मतलब इतना इसका पैर के साथ पता नहीं क्या कर दिया। लग रहा है कि मतलब ये खाना ही नहीं खाया है। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आलोक करेक्टर के बारे में तो आलोक का यार ओवरऑल बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है और लेग्स जो है वो भी ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो क्योंकि इसने पैंट जो है वो सही पहनी हुई है और उसके बॉडी से पूरे स्टिक है तो यहाँ पर आप लोग को पैर अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख लो कि काफ़ी ही इसका पैर भी सही है और बॉडी भी काफ़ी ही अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ओवरऑल तो ओवरऑल यार लुक में दोनों ही सही है बट अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो उसमें मुझे लेग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए जैक कैरेक्टर के बिल्कुल भी नहीं। क्या ही कर दिया गरीना वालों में। बट अब क्या ही बोल सकते हैं सही है जो भी है इंडियन कैरेक्टर आ रहा है। अब गाइस उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास है जैक कैरेक्टर मैक्स लेवल और है आलोक कैरेक्टर मैक्स लेवल और स्किल स्लॉट भी आपकी तीनों है तो अब इसको मतलब कि कौन सा कैरेक्टर आप लोग चूज करोगे। अगर आपके पास स्किल स्लॉट के साथ आप लोग कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे तो अभी हम लोग उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आलोक कैरेक्टर के बारे में। सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर आलोक कैरेक्टर के साथ खेलते हैं तो आलोक कैरेक्टर में दो स्किल आप लोग को पहले से मिल जाती है जो कि एक हीलिंग स्किल है और उसके बाद गाइस यहाँ पर है एक मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा देता है। उसके बाद हम लोग अगर स्किल स्लॉट में बात करें तो एक स्किल मैं रखता हूँ गाइस ये वाली जो कि है हमारी एक मिनट जो कि है हमारी कैली की स्पीड जिससे कैली की स्किल जिससे जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो है सेकंड वो है मोकू का हैकर आइस। सो ये स्किल रखना काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब कि काफ़ी ही सही एक स्किल है और इसको मैं हमेशा ही रखता हूँ। अब इससे क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके पास ये मोकू है और अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूँ कि इसको यूज़ किया करो। इससे क्या होता है गाइस कि जब भी आप लोग किसी बंदे को मारते हो शॉर्ट रेंज की अगर आप लोग फाइट ले रहे हो तो आप किसी बंदे को मारते हो वो बंदा ग्लू लगाता है आप भी ग्लू लगा के छुप जाते हो दोनों ग्लू लगाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा सामने आ जाते हैं। तो अगर आपने उसको एक भी गोली मारा तो गाइस तो उसका जो पोजीशन आप लोगों को दिखाने लगता है मैप में भी और उसके ऊपर एक एरो बन जाता है तो इससे गाइस पता चल जाता है कि वो बंदा किस तरफ से रश करने वाला है। तो ये स्किल काफ़ी ज़्यादा सही है इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये दो स्किल गाइस एकदम ही पक्की है एकदम दो स्किल तो एकदम पक्की है कि इसको यूज़ करना ही करना है। अगर हम लोग थर्ड स्किल स्लॉट की बात करें तो मैं क्ला यूज़ करता हूँ। लेकिन मान लो जैक कैरेक्टर आ गया और हमने जैक कैरेक्टर की स्किल यूज़ कर ली तो स्किल यूज़ करने के बाद गाइज ये शॉर्ट रेंज में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और हील वगैरह भी करने लगेगा। ठीक है अभी हम लोग आगे बात कर लेते हैं जैक कैरेक्टर के बारे में कि जैक कैरेक्टर स्किल स्लॉट के साथ क्या हो सकता है जैक कैरेक्टर का। तो यहाँ पर गाइस जैक कैरेक्टर मान लो मैक्स लेवल है और उसका जो है स्किल मैक्स है। ठीक है मैक्स हो गया है और अगर हम लोग स्किल स्लॉट की बात करें तो दो स्किल तो परमानेंट है पहले ही मैंने बता दिया और उसके बाद ये थर्ड स्किल लग जाएगा आलोक का यार। तो अब अगर आलोक का स्किल लगने के बाद बात करें ओवरऑल कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है कि अगर आपके पास दोनों कैरेक्टर है तो आप लोग कौन से कैरेक्टर को लेकर खेलो कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा बेस्ट है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो मैं तो बोलूँगा कि यार आलोक कैरेक्टर ही बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है मैं वो बता देता हूँ। हालांकि एक इंडियन कैरेक्टर है तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि यार इंडियन कैरेक्टर आया है और इसको लेकर खेलने का एक अलग वाली फीलिंग आएगी। आलोक जो भी है जितना भी है लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर खेलने की जो फीलिंग आएगी वो यार अलग वाली होगी तो इसको लेकर ज़रूरी से खेलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है गाइस इसमें जो है कोई भी अगर चीटिंग ना करें तो कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है तो मैं बोलूँगा आलोक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ से बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है इसमें मूवमेंट स्पीड के लिए मैं कैले का स्किल यूज़ करूँगा और अगर मैं आलोक में कैली का स्किल यूज़ करता हूँ तो जब मैं आलोक का स्किल यूज़ करूँगा तब मूवमेंट स्पीड हो जाएगी 15% और बढ़ जाएगी गाइस। तो ये जो है एक बेनिफिट है तो ये काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी स्किल है आलोक के पास की मूवमेंट स्पीड वो बढ़ा देता है जिसके वजह से आलोक क्लियर विनर है यार।
क्योंकि देखो एक इंडियन करेक्टर आया था तो मुझे उसकी खुशी जरूर है, बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, मैं एकदम फेयर होके बता रहा हूँ, तो वो आलोक करेक्टर इससे ज़्यादा अच्छा है। आलोक करेक्टर का ये करेक्टर टक्कर में नहीं है, बट इसको लेकर तो ज़रूरी खेलेंगे, क्योंकि इंडियन करेक्टर को लेकर खेलने वाली जो होता है ना एक अलग फीलिंग है गाइस, वो तो ज़रूर से लेकर खेलेंगे। बट अगर ओवरऑल बात करूँ तो जय करेक्टर नहीं है आलोक के सामने कुछ भी यार, आलोक भी अभी तक बेस्ट है। तो यार गरीना वाले कुछ करो, कुछ अच्छा ऐसा करेक्टर लेकर आओ, क्योंकि मेरे को जो है कितने सारे कमेंट्स आते हैं भाई प्लीज़ आलोक, प्लीज़ आलोक, प्लीज़ आलोक दे दो। अभी तो मैंने गिव अवे किया 16 आलोक का, फिर भी अभी बहुत लोगों को चाहिए। तो अगर जिन लोगों को आलोक चाहिए उनको बोलना चाहूँगा कि यार मोनेटाइजेशन इनेबल करा दो। जैसे ही मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा ना, हर मंथ हम लोग आलोक का गिव अवे करेंगे, हर मंथ आलोक का गिव अवे करेंगे। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो गाइज, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, तो 1000 सब्सक्राइबर करवा दो और वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो, और उसके बाद तो गिव अवे होते ही रहेंगे। तो बस यही था इस कंपैरिजन वीडियो में, और आप लोगों का कंपैरिजन का तो रिजल्ट पता चल ही गया कि आलोक है क्लियर विनर तीनों स्किल स्लॉट के साथ। तो ये बिल्कुल ही फेयर था गाइस, आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर से बताना कि आप लोग का जय करेक्टर अच्छा लगता है या फिर आलोक करेक्टर अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को जय करेक्टर अच्छा लगता है तो फिर आप लोग नीचे कमेंट में लिखना #JOP, और अगर आप लोगों को आलोक करेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर आप लोग लिखना #AlokOP गाइस, ठीक है। तो ये जरूर लिखना, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।